अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद हमीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी रमजान की सीरीज चल रही है, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट। हमारी जो अफतारी की स्पेशली जो व्लॉग है वो बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस मिला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग जो है मशरूबात पर बनाया जाए। वैसे भी रमज़ान का महीना है और गर्मियों का सीज़न है, कोई भी गमी हो, खुशी हो, कोई भी तकरीब हो, मशरूबात का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे एशिया की कल्चर में। तो आज हम आपको मशरूब मशरक, ऑफकोर्स रूह अफज़ा जो के कह सकते हैं कि किंग ऑफ द मशरूब से, उसको चार पांच किस्म के तरीक़ों से कैसे यूज़ किया जाता है। मुझे जस्ट रिसेंटली एक नुआबशाह की एक मशरूब मास थंदाल, तो आज वो भी आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत बहुत ही बेस्ट मशरूब है। और उसके साथ दीकर गुड़ की शरबत, और भी चार पांच किस्म की हम इंशाल्लाह आपको आज मशरूबात बना के दिखाते हैं, और उनको कैसे जो इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी चल के थोड़ी सी इनके लिए शॉपिंग करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, और आज इस रमज़ान में इस गर्मी के मौके पे मशरूब को एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गो। फोर फाइव तरीक़ों से रूह अफज़ा को बनाया जाता है, तो मशरूबात की प्रिपरेशन का आगाज़ रूह अफज़ा से करते हैं। हम रूह अफज़ा को बना रहे हैं लेमन के साथ, नींबू की रूह अफज़ा शरबत। और अभी जो है लेमन हमने काटे, तो ये आप देखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और रमज़ान में पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद तो आपको पता है वैसे भी जो है मुँह प्यासा हो जाता है। अच्छा, तो ये इसकी ये स्पेशलिटी भी है रूह अफज़ा की, कि इसको जो है लेमन के साथ पी सकते हैं बच्चों को जो है, तो जब बच्चे फीडर में डाल के बच्चों को दिया जाता है। मैं जब छोटा था मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और दूध के साथ भी मेहमानों के लिए बनाई जाती है। और आज आपको हम इंशाल्लाह एक और बड़ा नया तरीका, इसका वाटरमेलन के साथ भी इसको हम बना के दिखाएँगे, नींबू की जो है रूह अफज़ा। ओखले मलंगा इसको जो है इसमें वो हमने डाला है साथ में, जो कि बहुत ही इसमें विटामिन्स और ओमेगा थ्री होता है, बहुत ही ज़्यादा बालों के लिए हेल्दी है, और इसमें और भी वेट लॉस के लिए भी बड़ा मुफीद है। फाइव स्टार लेमन रूह अफज़ा तैयार हो गई। तो जी, गर्मियों का शरबत मशहूर, या आपने रोड के साइड पे भी देखा होगा कई दफ़ा, तो तरबूज का शरबत बड़ा मशहूर हुआ है आजकल पाकिस्तान में। अच्छा जी, तो अभी हमने गुड़ की शरबत बना रहे हैं, तो इसकी जो है तो चाय भी बनती है, इसकी शरबत भी बनती है, और ये गर्मियों के मौसम में सबसे जो है बेस्ट है। जिगर की गर्मी, जिस्म की गर्मी, गर्मी को मार देने के लिए जो है गुड़ की शरबत जो है बहुत ही मशहूर है, और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। इसमें असमगोल का छिलका भी डाले अभी, जो कि एक और बहुत ही हेल्दी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है। अच्छा, ये जो है मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है, एक बड़ी नुआबशाह की बड़ी मशहूर मास थादल नाम से है, ये बहुत ही पुरानी है, इसका 30-40 साल पुरानी मशरूब है। तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं, तो देखते हैं इसको, बहुत ही इसका नाम है, इसको बहुत ही इसमें जो है तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं बादाम, इसमें बीज होते हैं, इसमें वाटरमेलन के, स्वीट मेलन के, और काफ़ी जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये बनती है।
ये एक मिचल्स कंपनी जो कि बड़ी फेमस पाकिस्तान की कंपनी है, इसकी जो है काफ़ी प्रोडक्ट्स थी, काफ़ी अरसे इसको मैंने देखा भी नहीं है मार्केट में, काफ़ी टाइम से ये नज़र नहीं आ रही थी। तो ये जब हम मस्जिद पढ़ के हम आते थे बचपन में, तो उसके बाद हम आफ्टरनून में हमेशा ये पीते थे। 1933 से ये कंपनी है और ये जितनी भी मशरूबात थी आज वो सब जो है मोर देन 50 ईयर्स हो गए इनके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो हर बच्चे ने पी होगी दूध में रूह अफ़ज़ा, बचपन आपको याद आ गया होगा। तो चलें ज़बरदस्त कलर देखें आप। आज का ब्लॉग शरबतों के नाम था। टाइम हो गया रोज़ा इफ्तार करने का। बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करिए। हैप्पी रमजान।